हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। 10 बज चुके हैं भाई, आज थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि 2 दिन से बड़ी भाग दौड़ कर रखी थी हमने। बस उठन मतलब जल्दी उठ के भाग गए, थकान हो रखी थी थोड़ी, क्योंकि रात को आप देख ही रहे थे कैसे गर्म पानी में पैर सेक रहे थे ये। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। और अभी बस बनाना खाए हैं और इसके बाद जाएंगे अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। इधर ये देखो क्या कर रहे हैं। क्या एडिट कर रहे हो? मिनी व्लॉग। नाश्ता नहीं करना आपको? करना है ना, वो लोग उठे ही नहीं है। मैसेज किया उनको, हमें तो उठे हुए भी कितना आधा घंटा हो गया ना हमें आराम से उठे हुए। मित्तू, हाँ हम लोगों को आधा घंटा हो गया आराम से उठे हुए, और बस अब सोच रहे हैं कि बाहर ब्रेकफास्ट के लिए जाए। उनको मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आ रहा, अब डिस्टर्ब करना चाह नहीं रहे, क्या करें। तो सोचा कुछ काम ही कर लूँ, तो अपना व्लॉग एडिट कर रहे हैं तब तक। हेलो गाइस, तो अभी हो गया है सुबह के 11 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये दोनों भी सो के उठ गए और ये लोग इतना सोते हैं। जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने ऐसी जगह पे जो ऑलमोस्ट 102 साल पुरानी है। और गोवा हमने काफी किसी से पूछा, मतलब जो यहाँ के मेन वहाँ जाता है, क्योंकि हम 2 दिन से सेम जगह पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे 15 मिनट, बट कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँच के। अगर हमें भूख लगेगी तो हमने शेक ले लिया है, तब तक हम लोग शेक पी लेंगे और बस एंजॉय करेंगे। पहुँच के दिखाते हैं आप लोगों को, और खाना कैसा होगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो ये रास्ता कौन सा मित्तू? बड़ा ही प्यारा है, शायद पता तो हमें भी नहीं है। ये ओल्ड गोवा की तरफ जाता है। अच्छा, हाँ जी। मस्त मस्त नारियल पेड़ लग रहे हैं ना। इतना नारियल पे हो गए, एक पिया भी आने के बाद पिया का है। गाइज, कुछ ये रेस्टोरेंट है 102 साल के अप्रोक्स पुराना। अभी खाते हैं कुछ, फिर दिखाते हैं आपको। गाइज ये देखो, प्राइस भी बहुत कम है और अलग से फिगर में लिखे हुए हैं, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है 100 ईयर्स कैफे भोसले। ठीक है मैडम, भोसले। गाइज इतना फास्ट ऑर्डर ना मैंने कभी नहीं देखा। अभी जस्ट ऑर्डर किया था और अभी बन के भी आ गया है ना जी। गरम है वैसे। टेस्ट करके बताते, प्राइस बहुत कम है। सेम टेस्ट तो गाइज इन्होंने, अब पहले हमने ये भटूरे खाए हैं और अब इन्होंने करा है रवा डोसा। 4 दिन से ढूंढ रहे थे, फाइनली आज इनकी मन की जो है मुराद पूरी हो गई। बट उसका ना वो कह रहा था वो नहीं मिलेगा, रवा वाला नहीं मिलेगा, उनको यही खाना था। पर जो सब कुछ फिनिश कर दिया, ये सारा पूजा ने खाया है, सर ने नहीं किया अपना, ये इन्होंने छोड़ दिया। ये देखिए, ये रवा लवर देखिए। और मंगवाई फिल्टर कॉफी, और ये मंगवाई थी, ये आधी तो यहीं पे निकाल दी। ये देखिए इनका खाने का तरीका, छी। तो मेरा तो हो गया टमी फुल बिल्कुल, मेरे को तो और कुछ भी नहीं चाहिए। इन्होंने क्या है, बेबी ये को चाहिए कुछ? बेबी को नहीं, बेबी फुल खुश है और खा लिया पेट भर के। 1 घंटे बाद फिर बोलेगा भूख लग रही है। बेबी पैक कराया जाए? नहीं, रात वाला पैक अब तक रखा हुआ है। तो इस दिन के बज गए हैं 2 या 2:30 का टाइम हो गया है और अभी तक हम लोग इसी भेस में बैठे हुए हैं, इतने गप्पे मार रहे हैं। एक तो इसकी यूट्यूब की पेमेंट आने की खुशी इतनी हो रही है, आज इसकी यूट्यूब पेमेंट आ गई तो बहुत दिल से खुशी हो रही है। फिर धूप आज और दिन से थोड़ा तेज है, तो हम इसलिए बाहर नहीं निकले कि थोड़ा, क्योंकि 2:30 बजे हैं, तो बस यहीं पे अभी गप्पे मार रहे हैं। इसके बाद अभी हम थोड़ा बहुत नहा धो के फिर निकलेंगे आराम से घूमने के लिए। और आज शायद अंजना बीच है कोई, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। अंजुना, ओके, जो भी आप लोग समझ गए होंगे ना, जो जो गए हुए हैं। और भूख लगी थी तो केले खा रहे हैं, आप लोग भी खाइए। अभी निकल लिए हैं आज दोबारा से कहीं पे, और इन्होंने ना झूठ बोला। आज ब्लू है पानी दोबारा से नहीं। आज आपने मुझे क्या बोला कि कौन से वाले पे जा रहे हैं? अंजना बीच पे जा रहे हैं। फिर बाद में कौन सा बताया? मिजोरम बीच पे जा रहे हैं। जो गए हुए हैं आप लोगों को तो पता होगा, हम लोग भी गए हुए होंगे, बट वही है ना, इतने पता नहीं है भाई, कई साल पहले आए थे, लगभग
दस साल के आसपास हो गए तब आए थे, तो अभी कुछ पता आता पता है नहीं, और रास्ता एक नंबर है, अब देख लो चाहे। ये देखो ये हसीन नजारे, ये देखो भाई पूरा मतलब माहौल एकदम रंगीन हो रखा है। बस एक ही ख्वाहिश रह गई अब की बार तो कि स्कूटी नहीं ले पाए हम, बस थोड़ा सा हमारे बच्चे की वजह से। देख रहे हो बच्चे हम कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तुम्हारे लिए। गाइस ये देखो कितने मस्त मस्त रास्ते हैं ना, सुहाने सुहाने से एकदम हरे भरे, हरे भरे पूरे एकदम। कहीं कहीं डोगी भी घूम रहे हैं, थार लवर भी हैं, नारियल भी हैं। देखो हम भी थार ले लेते बट वही था कि धूप। हाँ यार कंफर्टेबल नहीं होता चार आदमियों को बैठने के लिए, दो के लिए ही होता है। फिर पूजा को ना उसको सीट पे से उठा के डालना पड़ता पीछे। गाइज आज हम जा रहे हैं एक काम और करना, आज हमें वो डब्लू ढूंढना, हमें द माल मूवी वाला जिसके नीचे पैसे दबे थे ना, तो वो ढूंढने के लिए जा रहे हैं अभी। तो जैसे ही मिलेगा तुम्हें भी बताएंगे, और जो जो कमेंट करके बताएगा उसको फिर जितने भी पैसे निकलेंगे उसमें से डॉलर मिलेंगे कुछ कुछ उनको भी भेजे जाएंगे सभी सब्सक्राइबर को। तो सारे कमेंट जरूर बताना कि डब्लू कहाँ पे है, डब्लू द माल मूवी किस किस ने देखी है, और डब्लू के नीचे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे पहुँच गए हैं, गाड़ी भी लगा दी, वैसे ये लोग उतरेंगे और फिर हम लोग जा रहे हैं। बता रहे हैं बहुत अच्छा बीच है, बाकी अंदर जाने के बाद दिखाएंगे आप लोगों को। तो ऐसे लगेगा कि सारे ही जैसे हैं, बट अगर कुछ स्पेशल होता है, बागा पे भी दिखाया था, कल वाले पे भी दिखाया था, और आज वाले पे भी क्या डिफरेंट रहेगा वो शेयर करेंगे आप लोगों से। तो गाइज ये है कुछ बीच के नज़ारे यहाँ के, अभी एंट्री करी है, एंट्री करी है हमने भी। कैसा लग रहा है गाइस आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बस अभी नहाने जाएंगे। ओके देखूंगी अगर वेव्स तेज ना हुई, कल भी नहीं नहाने दिया आपने। ओके नहीं वेव्स तेज, देखते हैं गाइस कैसा माहौल रहेगा यहाँ का। हाँ। जरूर दिखाएंगे आपको। फीलिंग आ रही है आपको मस्त वाली एकदम? हाँ। फुल मजे आ रहे हैं। चलो फिर ये बीच भाई और भी क्लीन है, बिल्कुल छोटा है और एकदम से। गाइज हमने अपना बेड ले लिया है, अभी लेटे हुए हैं और सामने के नज़ारे दिखाते हैं आपको। सामने के नज़ारे भैया जी हैं अभी तो इनको साइड में करके दिखाएंगे। ये देखो भाई कुछ 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 ये नज़ारे हैं, और इधर हमारी पूजा मैडम है। तो गाइज मैंने ना मिट्टू को एक डेर दिया है, कुछ बात चल रही थी हमारी आपस में, तो मैंने इनको डेर दिया है कि किसी भी एक पूरे बीच पे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, किसी भी एक लेडी फॉरनर से जाके बात करनी है, तो देखते हैं वो ये कर पाते या नहीं। बहुत पास जाके तो नहीं दिखाऊंगी, बस दूर से जरूर आपको कैप्चर करके दिखाने वाली हूँ मैं। गाइज ये देखिए करी ली फाइनली उन्होंने बात। वो वहाँ पे जाके बात कर रहे हैं। अच्छा अकेले नहीं गए हैं, साथ में पूजा भी है, भैया भी है, उनकी कुछ आपस की बात चल रही है, पर हाँ बात कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा देख लो इन्होंने कर दिया डेयर कंप्लीट, मुझे लग रहा था नहीं, कई देर से इधर उधर घूम रहे थे ये तो मुझे लगा नहीं जा पाएंगे, पर ये चले गए। मित्तू हाँ जी, फिर आपने फाइनली अपना डेयर कंप्लीट कर दिया? अपना डेयर कंप्लीट कर दिया है। हाँ। इनको बोला था कि किसी फॉरेनर से जाके बात करके आनी है, और ये करके आए हैं। बहुत तेज है, बहुत तेज है। हैं क्या बात कर रहे थे भैया ये मेरे को भी बताओ, मेरे को बोले तू नहीं जाएगी साथ में। अच्छा यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा आई लव योर। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, नहीं ऐसा मैंने ये पूछा था जस्ट आपको इंडिया कैसा लगा, गोवा कैसा लगा। अच्छा तो ये सब पूछा था उनसे। हां जी चलो डेयर तो फाइनली कंप्लीट कर दिया ना इन्होंने, बाकी देखी जाएगी। भैया गाइस ये देख लो प्यारा सा सनसेट हो रहा है एकदम बीच के किनारे एकदम। इसमें हल्की वेव आ रही है ना? हाँ बिल्कुल हल्की आ रही है। मैं नहीं गाइस पूरा का पूरा, क्योंकि जिस टाइम हम आए थे ना धूप ऑलमोस्ट कम थी और मुझे लग जाती ठंड, तो बस हम यहाँ पे बैठ के बीच के नज़ारे ले रहे हैं, और अब बस थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग वापसी अपने लोकेशन पे, क्योंकि जाने में भी हमें आधा पौना घंटा लगेगा, उसके बाद डिनर के लिए जाएंगे कहीं पे अच्छी सी जगह। तो गाइज यहाँ पे मिले हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर राजस्थान से, जो ये लोग यहीं रहते हैं, यहीं जॉब करते हैं आसपास में कहीं पे,
आपके ब्लॉग आएंगे। देखो ये क्रीम अभी मैडम प्रूफ दे रही है फिर नहीं मान लिया मैम, हमने मान लिया हमने। तो गाइस अभी जाने का टाइम हो गया है हमारा और बड़ा ही मजे आए एकदम। हाँ जी कैसे मजे आए? बहुत मजे आए। में तो पता नहीं कितना शूट हो गया। थोड़ा दूर है यार इसलिए जल्दी जा रहे हैं और रात का ना कुछ प्लान अलग है हमारा, और कहीं जाने का प्लान है तो हाँ। देखते हैं पब में जाते हैं या और कहीं पे। आज पब का प्लान है मेन तो बहुत सारे सबके कमेंट आए थे पब में जाना तो इसलिए थोड़े जल्दी निकल रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है हमारा वहाँ पे। मैम आज कैसा मेकअप करने वाले हो? आज पार्टी में जाऊंगी। बढ़िया एकदम, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, वैसे ही आप ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल बना देंगे अभी देखेंगे। वैसे क्योंकि नाइट का टाइम है, नाइट में और इतना मन भी नहीं करता ना मेकअप करने का, बाहर आने के बाद तो मन नहीं करता, वहां पे ज्यादा मन करता है ना। हां तो बस अभी क्या गाड़ी नहीं है? पता नहीं यहां खड़ी करके गए थे, यही जगह थी क्या? यही थी पार्किंग एट ओनर रिस्क, खड़ी तो यही करी थी। लिखा है पार्किंग और ओनर, कहीं दूसरी जगह करी हो यार? यही करी थी मैम, गाड़ी तो यही करी थी गाइस, पर हमारी गाड़ी गई कहाँ यार? ऐसा तो नहीं कि चाबी तो आपके पास ही थी ना कि देखे गए थे कहीं? गाड़ी की चाबी आपके पास है तो फिर यार औरों की तो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो हमारी गाड़ी कैसे कहाँ जा सकती है? हैं तो खड़ी है बस, वही गाड़ी नहीं है, क्या करें फिर? अब क्या ऑप्शन है? मतलब चोरी होती है क्या यहाँ पे? मैम है ही नहीं फिर, मतलब गाड़ी नहीं है तो फिर कुछ चोरियाँ होती है क्या? गाइस समझ में नहीं आ रहा गाड़ी गई कहाँ आखिरकार। मैंने व्लॉग में भी शायद देखा होगा, इधर ही लगाई थी, मुझे ध्यान भी नहीं, पर जहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी मैंने वीडियो बनाई थी। और यार मतलब हमें पता नहीं था कि यहाँ पे चोरी भी होती है गाड़ियाँ, समझ ही नहीं आ रहा है। मित्तू क्या करें यार, आसपास में हमने सर्च कर लिया कहीं पे कुछ दिख ही नहीं रहा, सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारी गाड़ी कैसे चली गई जबकि चाबी हमारे पास है यार। अभी यार जाने का रास्ता भी एक डेढ़ घंटे का, कैसे जाएंगे हम लोग? कहीं नहीं है वैसे, खड़ी इधर ही करी थी, आगे तक देखा नहीं कहीं। मैं वो वीडियो एक बार बैक करके देखती हूँ। वो भी कह रहा है कि नहीं पहले तो देखी थी अब तो देखी नहीं, वो अंकल है। क्या ऑप्शन है गाइस? दो चार मिनट बाद मिलते हैं आपसे, पहले बहुत टेंशन होगी कैसे घर जाएंगे यार, पता नहीं मैं। और घर जाएंगे तो ठीक है, सुबह तो दो दिन के लिए थे हमने, कल देनी है वापसी, कल वापस कैसे देंगे फिर? गाइस मैंने पिछली वीडियो ना बैक करके देखी है पर समझ नहीं आ रहा है, जगह तो सेम है बिल्कुल, क्योंकि सेम प्लेसेस होते हैं ना, दिमाग में नहीं आता। अभी ना शॉप्स पे पूछने गए हैं कि यार हमारी गाड़ी खड़ी थी किसी ने देखी क्या, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। गाइस हमने 6 से 7 आसपास की शॉप पे ना पता कर लिया, समझ ही नहीं आ रहा हमारी गाड़ी कहाँ गई। ये लोग फिर से जा रहे हैं पता करने के लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, क्या ऑप्शन है, इतनी दूर हमें जाना है, रेंट पे वैसे ले रखे, इतना नुकसान हो जाएगा हमारा, तो नहीं मिल रही, मना कर रहे हैं भैया पूछने के लिए गए हैं उधर, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर में, तो पैर और दुखने लग गया, चल चल के कहाँ बैठे समझ नहीं आ रहा है। या तो ऐसा करते हैं कि मैं और पूजा बैठ जाते हैं, तुम लोग और आसपास सर्च कर लो, रात का टाइम वैसे हो रहा है हमारे साथ ही है यहाँ पे। कैमरे भी नहीं लगे हुए किसी भी रेस्टोरेंट के सामने भी कैमरे नहीं है यहाँ पे, इधर कैमरे नहीं लगे हुए, मतलब इतनी दिक्कत में मुझे ही दिक्कत होनी थी क्या? वैसे ही मेरे पैरों में स्वेलिंग आ रखी है ऊपर से, और गाड़ी के बिना घर तो चले जाएंगे, चलो 1% टैक्सी भी कर लेंगे, पर घर जाके भी टैक्सी की तो टेंशन रहेगी, सुबह गाड़ी वाला आ जाएगा यार, क्यों ना आ रहा है मुझे तो। तो और लोग ये लोग पूछने गए हैं आइसक्रीम वाले भैया से कि क्या है, कुछ है क्या सीन, कुछ हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी, समझ नहीं आ रहा है, यहाँ टेंशन में जान निकले जा रही है यार। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो एक बार पास के जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है ना उसमें पूछ लो, लोग वो नो पार्किंग में खड़ी थी ना तो वैसे ले जाते हैं कई बार, तो पार्किंग का इन्होंने कहीं दिया ही नहीं था, करते कहाँ पे है नहीं, तो वो तो अब क्या बताएं, क्या बताएं, वो तो वहाँ जाके पता लगा करना पड़ेगा ना, उसमें पुलिस स्टेशन पता करना पड़ेगा वहाँ है भी, वो भी तो रियल है या नहीं है, या वैसे गोवा में होता नहीं है जनरली, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आया था जैसे स्कूटी वगैरह पूछा था तो गोवा की स्टेट पुलिस तो बाहर जाने नहीं देती है, तो चोरी का तो इतना नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा।
पुलिस स्टेशन जाके मैं कोई टैक्सी पता कर लेता हूँ, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, देर होने वाला है, साथ में चलो ना, यहाँ क्या करोगे, उधर की उधर फिर देखेंगे आगे क्या बात बनती है। पुलिस स्टेशन पे ही कह रहे हैं ना। तो गाइज अब ना वो लोग चले गए हैं पुलिस स्टेशन, उन्होंने मतलब जगह यहाँ पे सर्च करी नेट पे, स्कूटी रेंट पे करी, यहाँ से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग गए हैं पुलिस स्टेशन में पता करने के लिए, क्योंकि कह रहे पार्किंग से गाड़ी उठती है तो वहीं पे जाती है, और हम दोनों यहीं पे जहाँ पे ये रेंट पे मिलती हैं स्कूटियाँ, यहीं पे हम लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने यही बोला है कि हम लोग आधे घंटे तक आ रहे हैं, और बस ऐसे हो रहा है कि ना मतलब खुल के धरोया जा नहीं रहा, और आंसू इतने आ रहे हैं कि बस पूछो ही मत, क्योंकि सीधा सीधा ये लगा लो 8-10 लाख रुपए का तो वैसे नुकसान है, प्लस में मतलब यार पता नहीं हमारे साथ ही इतनी दिक्कत क्यों होती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद एक तो मैं वैसे ही दुखी हो रही हूँ प्रेगनेंसी में, और ऊपर से ये सब पता नहीं क्यों हमारे साथ ही होता है। अब पता नहीं गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी वाली बात ये है कि गए तो हैं पर पता नहीं मिले ना मिले, अभी कुछ कह नहीं सकते कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट अब पूरी बात हमें बताएंगे बिना, मान लो नहीं भी मिली तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बताएंगे या नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देंगे कि हाँ कल मिल जाएगी ये वो। तो बस मिल जाए जल्दी से गाड़ी, और आप लोग सारे दुआ करना कि गाड़ी मिल जाए हमें, बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है कि मतलब वो कहते हैं कि होपलेस हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होएगा। तो गाइस हमें ना आधे की जगह में 1.25 घंटा हो गया, पर खुशखबरी है कि वो लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं बस अभी 10-15 मिनट में आए, तो दिखाते हैं शायद गाड़ी मिल गई है, क्योंकि आवाज़ से लग रहा था ऐसा, तो दिखाते हैं आप लोगों को गाड़ी मिली नहीं मिली क्या रहा। गाइस फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है, पूछते हैं इनसे क्या क्या रहा। भैया जी फाइनली गाड़ी दे आए, ले आए, थैंक गॉड गाड़ी मिल गई। हाँ जी क्या रहा, पता इतनी टेंशन में हो गई थी, मैंने कहा ये क्या है, 2000 का चलान है, 2000 का चलान, नो पार्किंग का था। अच्छा जी बैठ लिए, मैं और पूजा को इतनी टेंशन हो रही थी कि रोड पे खड़े खड़े सब आते जाते से देख रहे, पर क्या करे कोई ऑप्शन नहीं था, तो कोई और कोई कुछ ज्यादा तो दिक्कत नहीं हुई, खाली किस चीज पे था, हमने जहाँ पे खड़ी करी वहाँ पे तो और भी गाड़ियाँ खड़ी थी। हमारे होटल वाले होते ना जैसे वो उस होटल के सामने खड़ा कर दिया था, और ये कुछ ज्यादा ही स्टैंडर्ड वाली लोकेशन थी। अच्छा बीच था ना थोड़ा सा वो फॉरन वाला सा बीच था पूरा पूरा ही, उस चक्कर के अंदर उन्होंने कह दी किसी गेट के ऊपर गाड़ी खड़ी है, वो आके अपने उठा ले गए। गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में भाई, और अभी रूम पे आ गए हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद देखेंगे खाना खाने जाएं क्या करना है, सर दर्द हो रहा है क्योंकि वहाँ इतनी भड़क में गए और पूरा मतलब ना दिमाग का दही हो गया है। कल के व्लॉग में मिलते हैं आपसे, और देखते हैं नींदर वगैरह का हुआ तो वो कल के व्लॉग में शूट कर लेंगे।